गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग अभी चर्च पे जा रहे हैं, आज संडे है। तो आज मॉर्निंग 7 बज गए, फिर भी देखो चारों तरफ अंधेरा है, बहुत ठंड लग रही है। देखो सिलमिना को तो ठंड ही नहीं लग रही, शायद स्वेटर जैकेट कुछ नहीं पहना। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, तो मैंने तो गर्मी कपड़े भी पहना और ऊपर से मैंने तो छोटा वाला शॉल भी लिया। तो अभी जा रहे हैं हम, इतना मॉर्निंग में मतलब चर्च भी स्टार्ट होते हैं ना, क्यों सुना है कि आज से मतलब टाइम चेंज करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड आ रही है, तो इसीलिए 1 घंटे के बाद करेगा 8 बजे। तो आज तो 7 बजे ही करेगी। देखो बहुत ठंड लग रही है मुझे, तो चलो सिलमिना, बहुत दिन के बाद फिर से सिलमिना आ रही है। और दो हफ्ते मैंने चर्च में भी नहीं गया, 2 संडे, तो आज जा रहे, तो चलो। देखो सुबह सुबह काली रोत, ठंडी है ना, इसलिए लोग नहीं निकलते अभी सुबह सुबह में। मनी में तो काफी काली रोत कैसे लग रही है। ये भी एक गली, ये लो देखो सुबह सुबह चर्च पे आ गई। लोग अंदर है या नहीं आया आज, तो वरना अंदर हो गए। चलो। तो अभी चर्च से आ गई हूँ हम लोग, चर्च खत्म हो गया है, अभी घर जाएंगे, घर जाके खाना वाना बनानी है, फिर देखते हैं आज क्या करते हैं। आज कहीं जाना है या नहीं जाना है तो पता नहीं है, घर जाके पता चलेगा। अब तो फिलहाल तो थोड़ा जल्दी में है, मैं थोड़ा इमरजेंसी हो गई, तो इसलिए मैं जल्दी आ रही हूँ। तो सिलमिना का घर भी पहुँच गया, तो सिलमिना जा रही है। आजकल सिलमिना लोग हमारे घर पर नहीं आ रही है, स्कूल खुल गया ना इसलिए। फिर आज संडे है तो मिल गए फिर से। बाय बाय, फिर मिलेंगे। तो हम ना अभी जा रहे हैं दुकान पे अंडा लेने के लिए, मतलब ऐसे वेजिटेबल सब्जी बनाए थे, तो मतलब बुआ भी बोला कि क्या सब्जी बनाए, पूछा तो आज तो संडे है, कुछ ना कुछ स्पेशल खाने का मन कर रही है। तो बुआ ने मुझे एक सामने पास वाली दुकान में भेजी थी, वो दुकान बंद है आज, तो इसलिए हम थोड़ा दोन बस्को के पास में एक दुकान है वहाँ पे जा रहे हैं दोनों। देखो इतना धूप में भी अंडा लेने जा रहे हैं हम लोग, मतलब कोई नहीं है घर पे आज संडे, सब अपने अपने कहाँ कहाँ चले गई, वो धूप की वजह से देख भी नहीं पा रही है, तो ऐसे देख रहा हूँ मैं। तो हम जा रहे हैं अंडा लेने, इतना धूप में गर्मी में जा रहे सिर्फ अंडे के लिए हम लोग, कोई नहीं खाने के लिए, कुछ तकलीफ तो करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। बुआ जी का भी क्या मतलब मन हो गया कि बोला कि चलो हम दोनों ही चलते हैं। मैं तो डर रही थी बुआ जी को बताने के लिए, चलो हम दोनों ही चलते हैं, पर मेरे मन की बात बुआ जी बता दिया। उफ थोड़ा सा साये में पे सुकून, इतना मतलब कड़वी धूप दे रही ना, क्या बताऊं। तो चलो ले लिया अंडा, और साथ में हमने क्या चिप्स खाने को मन किया, तो मैंने तो लेस कर बुआ जी पॉपकॉर्न कर, देखो दिखा रहे, मतलब इतना ज्यादा कम, मतलब इतनी सी 12 फेंके थे, पर अंदर में ना पॉपकॉर्न थोड़ी सी है, तो ये करके दिखा रही है। अभी जाऊंगी जाके अंडा ऑमलेट करेंगे और खाना खाएंगे फिर। जो अभी खाना खाएंगे हम लोग का ऑमलेट भी हो गया है, देखो टेस्टी ऑमलेट, दाल, पपीता, मटर, कद्दू की सब्जी और गोभी की फ्राई बनाया है। चलो हमारी खाना, मेरा खाना इतना ज्यादा, वाह। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मुझे एक चीज़ लेनी है, बैग खरीदनी है मुझे, क्योंकि मैं कल कहीं जा रही हूँ, मैं कल शाम को रात को आउट ऑफ स्टेट जा रही है मैं कल, तो कौन सी स्टेट पे जा रहे, कहाँ जा रहे हूँ मैं नहीं बता रही हूँ, जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक, पहुँचने के बाद मैं बताऊँगी मैं कहाँ जा रही है। तो ये लो बैग ले लिया मैंने, बकेट बैग, और मैं जा रही बुआ जी के साथ में मार्केट में, थोड़ा कुछ चीज़ें लेनी है मुझे, बैग वगैरह लेनी है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। वैसे भी आज तो संडे है, तो हमारे यहाँ पे संडे में ना मार्केट होती है, संडे मार्केट, तो हम जा रहे हैं अभी।
तो चलो बुआ जी आ रहे पीछे, हम आगे निकल रही हूँ, आगे जा रही हूँ मैं। तो वैसे तो कुछ नहीं लेना है, बस सिर्फ एक बैग लेनी है मुझे, क्योंकि मेरी एक दो कपड़े लेना पड़ेगा ना, तो मेरी बैग खराब हो गई है, तो मुझे एक दो कपड़े लेने के लिए बैग चाहिए है, तो इसलिए मैं बैग खरीदने जा रही हूँ मैं। चलो चलो, बुआ जी नहीं आ रही अभी तक, तो हम आ गए बाजार से, अभी ले लिया जो लेने थे बैग ले लिया, आज खाने का सामान कुछ भी नहीं लाया, सिर्फ बैग वगैरह लिया, बस इतना ही थे। वो ऐसे करते करते लेट हो गए हमारी आज भी। बाजी को देखो बैग के पीछे छुप रही है। तो हमने खाना वगैरह खा रहे थे, यही बैग लाया था मैंने आज, तो मैं कल जा रहे कहीं, कल रात को 2 बजे हमारी ट्रेन है, तो गुवाहाटी तक है ट्रेन, गुवाहाटी तक ट्रेन पे जाएगा, उसके बाद हम जहाँ जाना है वहाँ पे बस पकड़नी है हमको 7:00 बजे, तो हम जा रहे आउट ऑफ स्टेट, तो जहाँ जा रहे वहाँ पहुँच के ही बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो अभी नहीं बताऊँगी मैं। तो आज के लिए तो इतना ही था, खाना वगैरह भी खा लिया हमने, तो आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल फिर सबको, बाय बाय, गुड नाइट बुआ जी, बाय बाय, गुड नाइट।